हेलो एवरीवन, ज्ञानवर्धक सीरीज की 8th वीडियो में आपका स्वागत है भाई। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो नीट में आए हुए दो क्वेश्चन है भाई, 1994 में आए हुए दो क्वेश्चन हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा भाई। ठीक हो गया? यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा भाई, समझाया? जो कम्बस्चन से रिलेटेड है, समझाया? कम्बस्चन का मीन्स क्या है? हमारे पास वन मोल ऑफ सब्सटेंस है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस है भाई, ठीक हो गया? इस वन मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करना है, समझाया? क्या करना है? जलाना है, बर्न करना है। और बर्न करके ये किस में कन्वर्ट होता है? CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है मोस्टली, समझाया? तो याद रखना, बर्न करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, समझाया, उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कम्बस्चन। और ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। देखो भाई, कम्बस्चन के दौरान हमेशा हीट क्या होती है? रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। और बर्न होने के बाद हमेशा हीट रिलीज होती है। इट मींस जो डेलच होगा वो क्या होता है? निगेटिव होता है भाई, समझाया? तो याद रखना, जो कम्बस्चन है, जो कम्बस्चन होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है भाई, समझाया? एक्सोथर्मिक होता है। इट मींस चेंज इन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी भाई, समझाया? अगर मैं बात करूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन की, याद रखना, रिमार्क करके यहीं पे लिख लो, रिमार्क करके लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करता है, किसकी बात करता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करता है, फॉर्मेशन। हीट ऑफ जो फॉर्मेशन है वो क्या भी हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, ठीक है? लेकिन जो कम्बस्चन है वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है भाई। उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है, ठीक हो गया? तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है भाई, और ये रिएक्शन भी जो है कम्बस्चन टाइप की है, क्योंकि यहाँ CO2 और H2O टाइप का चीजें निकल रही है। इट मींस जो डेलच है, डेलच वो क्या है? निगेटिव है, क्योंकि कम्बस्चन के लिए जो डेलच आता है वो क्या आता है? निगेटिव। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है, बताओ भाई, मैंने एंट्रोपी का एक चीज आपको बताई थी। अगर जो एंट्रोपी की अगर मैं बात करता हूं भाई, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का मींस क्या होता है? रैंडमनेस, रैंडमनेस। तो देखो भाई, मैंने बोला था कहीं पे अगर जो गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज कर रहे होंगे, इंक्रीज, तो जो एंट्रोपी है एस वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी भाई, समझाया? यानी कि चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगी, ठीक हो गया? देखो भाई, यहाँ पे जो देखो CO2 भी गैसी है भाई, समय H2O का जो है ये भी गैसियस फॉर्म है, तो यानी कि 16 ये हुआ और 18 ये हुआ, समाया? तो कितना हुआ? 16 और 18, 34 गैसियस मॉलिक्यूल किस में है? प्रोडक्ट में है, समाया? और रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 ये हो गए, 25 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 27। तो रिएक्टेंट में गैसियस मॉलिक्यूल है 27 और प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल है 34, समझा? इट मींस यहां से यहां जाने में, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जहां पे गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इट मींस अगर चेंज इन एंट्रोपी की भी मैं बात करता हूं तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो डेलस है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहा है? यानी कि यहाँ पे डेलस इंक्रीज का मतलब ही पॉजिटिव है। हाँ, देखो भाई, अब बात करेंगे डेल जी की। किसकी बात करेंगे? डेल जी की। जो डेल जी होता है वो होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक हो गया भाई? देखो भाई, यहाँ पे जो डेल एच है वो क्या है? निगेटिव है, माइनस जो टी है वो तो पॉजिटिव रहेगा भाई, समझाया? और जो एंट्रोपी चेंज है वो भी क्या है? पॉजिटिव है, समझाया? तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया? एक पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ मिलेगा तो टोटल जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी भी पूरी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आगे निगेटिव है भाई और ये आगे से निगेटिव आ रहा है। तो इट मीन्स जो डेल जी है वो भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा भाई, ठीक हो गया? तो क्या हुआ? जो डेल एच है वो निगेटिव, जो डेल एस है वो पॉजिटिव, और जो डेल जी है वो भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा भाई, ठीक हो गया? तो कौन सा ऑप्शन है भाई? जो डेल एच है वो क्या है? निगेटिव। तो कहाँ पे आ रहा है?
ये वाला देखो, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ठीक है भाई, समझ आया। अगर इसी का मैं दूसरा पार्ट देखता हूँ, 81 वाला, देखो भाई, अगर मैं इसका 81 वाला पार्ट देखता हूँ भाई, तो यहाँ पे बोलता है अ केमिकल रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस इफ इट इज अकम्पेन्ड बाई डिक्रीज ऑफ, समाया। देखो भाई, अगर मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करता हूँ, तो देखो भाई, स्पॉन्टेनिटी हमेशा फ्री एनर्जी के टर्म में दी जाती है, डेल जी, समाया। और क्या बोला जाता है, अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, याद रखना भाई। अगर डेल जी की वैल्यू जीरो है तो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे होती है, समझाया। देखो, याद रखना, बहुत सारे लोग डेल एच बोलते हैं कि अगर डेल एच की वैल्यू निगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल एच की वैल्यू जो होती है अगर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, समझाया, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी चीज का स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया देना होता है तो वो डेल एच और डेल एस के टर्म में कभी नहीं दिया जाता भाई, ठीक है। तो किसके फॉर्म में दिया जाता है, हमेशा डेल जी के फॉर्म में दिया जाता है भाई। तो क्या बोलूंगा, अगर जो डेल जी की वैल्यू है वो अगर निगेटिव होगी तो रिएक्शन हमेशा क्या हो जाएगा भाई, स्पॉन्टेनियस होगा, समाया। और स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया हमेशा चेंज इन फ्री एनर्जी के टर्म में दी जाती है भाई, ठीक हो गया। तो देखो, इसके जो ऑप्शन है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के टर्म में नहीं दिया जाता है स्पॉन्टेनिटी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के रूप में नहीं दिया जाता, याद रखना। बहुत सारे लोग बोलते तो हैं कि अगर डेल एच निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए डेल एच पॉजिटिव है लेकिन फिर भी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, या डेल एच निगेटिव है और फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है भाई, समझाया। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से हम कोई भी स्पॉन्टेनिटी डिफाइन नहीं कर सकते, इट मीन्स हम बात करेंगे कि जो स्पॉन्टेनिटी है वो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम में डिक्रीज की बात करता है भाई, समझाया। तो 81 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा भाई, ठीक है। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।